9.99 lakh worth of training और 0.67 लाख जीवन का संगीतों की सकती हूँ। मेरी सरकार इनके देख रहे एवं समस्याओं के निराण के लिए सतत प्रयत्न शुरू शहीद हुए सैनिक के परिवार को पूर्व में दी जाने वाली 25 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी इस संकल्प को साकार करने के लिए मेरी सरकार कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य के साथ विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। किन्नर समुदाय को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया। कामगार श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन किया गया। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों हेतु प्रदेश के समस्त 18 मंडलों में एक एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिनमें कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्वक एवं आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। कोविड महामारी की कठिनाइयों से गरीब परिवार को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा अपने सुशासन के अप्रैल 2020 से जून 2020 तक जून 2021 से अगस्त तक 21 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। राज्य सरकार द्वारा माह दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को नियमित वितरित होने वाले गेहूं एवं चावल का वितरण निःशुल्क करते हुए 3 अन्य आवश्यक वस्तुओं आयोडाइड नमक, दाल, साबुन, चना, रिफाइंड सोयाबीन तेल को भी सम्मिलित कर निःशुल्क वितरण किया गया। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हुए। यह देश का सबसे विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार माह अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य में अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 और मई 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया गया। प्रत्येक निःशक्त जन राशन कार्ड धारक को चिन्हित कर उनके घर पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड धारकों को देश में किसी भी स्थान पर राशन कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ग्राम्य विकास के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाना गांधी जी का सपना था। मेरी सरकार ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक कुल 102 लाख आवास का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। प्राकृतिक आपदा कालाजार AES एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वन टांगिया मुसहर कोल सहारिया एवं थारू वर्ग नट एवं चेरो जनजाति के आवास विहीन या कच्चे जर्जर आवास में निवास कर रहे परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गत 5 वर्षों में 3,414 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित दूरस्थ गांवों, अति पिछड़े तथा देश की रक्षा में हुए शहीदों के राजस्व गांवों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में 73.06 लाख क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर लगभग 4.67 करोड़ घरों में शुद्ध एवं
सतत पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम स्तर पर वित्तीय समायोजन तथा महिलाओं को रोजगार के जोड़ने के उद्देश्य से 40,196 बीसी सखी का प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण पूर्ण किया गया है। ग्राम स्तर पर सरकारी सेवाएं एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए। ग्राम सचिवालय के प्रतिनिधि संचालन और सफल क्रियान्वयन हेतु 56,436 पंचायत सहायक अकाउंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश में सार्वजनिक संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराए जाने हेतु एंटी भूमि टास्क फोर्स का रचना व्यापार तथा अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतों ऑनलाइन दर्ज करने एवं कृत कार्य प्रभावी अनुसरण किए जाने हेतु एंटी भूमाफिया पोर्टल का विकास किया गया है। एंटी भूमाफिया अभियान के अंतर्गत कुल 76,398 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। 2,471 अतिक्रमणकर्ताओं को भूमाफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 186 भूमाफिया जेल में निरुद्ध है। 4,274 अतिक्रमणकर्ताओं के निरुद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। कोविड प्रबंधन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में गरीब व्यक्तियों को प्रवासी श्रमिकों तथा तीमारदारों आदि को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के जनपदों में 332 सरकारी एवं 148 गैर सरकारी कुल 480 कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए थे। इनके माध्यम से कुल 7,23,627 निःशुल्क फूड पैकेटों का वितरण किया गया था। कोविड-19 की रोकथाम उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कर्मियों की संक्रमण से मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को 50,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। अब तक 15,940 ग्रामों में 23,47,243 ग्रामीण आवासीय अभिलेख का भौतिक वितरण संबंधित भूखंड स्वामियों को किया गया है। नगरीय क्षेत्र में जनमानस मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल की 119 एवं सीवरेज की 57 परियोजनाएं पूर्ण कर जन उपयोगी बनाई जा चुकी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश के 18 स्थानीय निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत 233 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। साथ ही प्रदेश के सरकार द्वारा 7 अन्य नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनव पहल शुरू कर दी गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश के नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों के विकास का निर्णय लिया गया है। शहरी पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत अब तक 8,00,000 से अधिक पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेंडिंग जोन के विकास का कार्य भी प्रगति पर है। शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील किए जा चुके हैं। प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण वृद्धि की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।
इनमें सामाजिक वानिकी की मुख्य योजना है। गत 5 वर्षों में 100 करोड़ वृक्षों को रोपित किया गया। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में हरित का विस्तार हेतु 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा वन, नगर वन, अमृत वन, गंगा किनारे वनीकरण योजना अंतर्गत स्थल चयन व वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संतुलित होगा एवं कार्बन अवशोषण के साथ साथ जलवायु पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। वन जीव संरक्षण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव विहार एवं 4 प्राणी उद्यान स्थापित। इको टूरिज्म के माध्यम से प्रकृति एवं वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारते हेतु वाराणसी इको टूरिज्म सर्किट, माँ बटेश्वर चंबल इटावा इको टूरिज्म सर्किट व महाराजगंज में हेरिटेज ट्रॉम वे परियोजना पर कार्य किया जाए। पावन गंगा एवं सहायक नदियों की निर्मलता अविरलता सुनिश्चित करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। गंगा की प्राकृतिक संपदा एवं जन मानस की भावनात्मक अवस्था बनाए रखने हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी कुल 46 परियोजनाएं स्वीकृत हुई, जिनकी कुल स्वीकृत लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। इनमें से अब तक 25 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा चुकी है, जबकि 19 परियोजनाएं निर्माणाधीन व 2 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में संचालित है। पावन गंगा एवं सहायक नदियों की जल गुणवत्ता एवं अविरलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समर्पित मॉनिटरिंग सेल एवं कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। सरकार द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता तथा शोध संबंधी विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2021-22 में लगभग 1.66 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में परिषदीय विद्यालय में छात्र नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में लगभग 2 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें व कार्य पुस्तिकाएं वितरित कराए जाने का लक्ष्य है। परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग, जूता, मोजा की धनराशि सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है, जिससे लगभग 1.57 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से परिषदीय विद्यालय को चिन्हित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतुष्ट कराया जा रहा है। अभी तक 1.30 लाख से अधिक विद्यालय का कायाकल्प हो चुका है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में 1.44 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत 2 करोड़ छात्र छात्राओं को आच्छादित किया गया। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा समस्त बालक बालिकाओं सह शिक्षा की स्थापना करते हुए अब तक 269 नवीन विद्यालय, 30 बालिका छात्रावास तथा 3 नवीन सैनिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। योग्य शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 40,402 शिक्षकों का चयन किया गया है। प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर
प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक विषय का समावेश एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, माननीय प्रशिक्षकों की व्यवस्था, ग्रेजुएटी और मृतकाश्रित विवाह योजना प्रावधान किए गए हैं। असेवित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों में माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ एवं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का शिलान्यास किया जा चुका है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। 75 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध की स्थापना की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में बाबूराव देव शोध पीठ, अटल सुशासन पीठ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय रोजगार पीठ तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में चौरी चौरा अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए प्राविधिक शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश की पॉलिटिक संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए नवीन टेक्निक ज्ञान अर्जन हेतु यूराइज पोर्टल की स्थापना की गई है, जिस पर वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट्स, ऑनलाइन उपस्थिति, परीक्षा परिणाम देखने की सुविधा उपलब्ध कराई है। ई लेक्चर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा से संबंधित विषयों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार पर विषयों पर भी व्याख्यान प्रदान किए जा रहे हैं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता संस्थाओं ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के पोर्टल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की पूर्ति के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 35 राज्य सरकार द्वारा एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। इसके अतिरिक्त जनपद गोरखपुर व रायबरेली में एम्स की संचालित है। प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधा से आच्छादित है व 14 जनपदों में राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु पीपीपी नीति घोषित की गई है, जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हैं। जनपद संबल एवं महाराजगंज में पीपीपी मोड पर स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य सरकार तथा पीपीपी पार्टनर के मध्य एमओयू हस्ताक्षर कर दिए गए। 6 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कोर्स प्रारंभ किए गए और इस वर्ष 9 मेडिकल कॉलेजों में नए बीएससी कोर्स प्रारंभ किए गए। जनपद गोरखपुर में 52.27 एकड़ भूमि पर 259 करोड़ रुपए की लागत से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2021 को उक्त महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया। आयुष मिशन के माध्यम से जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। प्रदेश की जनता को अच्छी एवं गुणवत्तापरक शिक्षा सुविधा प्रदान करने सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के समस्त जनपदों में बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियां बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश के 54 जनपदों के 55 चिकित्सालयों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क परिवहन, निःशुल्क जांच, निःशुल्क औषधि, निःशुल्क भोजन
એમાં આવશ્યકતા પડને પર નિઃશુલ્ક બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન ની સુવિધા પ્રદાન કરી રહી છે. કોવિડ પ્રબંધન હેતુ પ્રદેશ મેં 11 કરોડ 30 લાખ સે અધિક કોવિડ ટેસ્ટ કિયે જા ચુકે હૈ. ઇન્ટીગ્રેટેડ કોવિડ કમાન્ડ એવં કંટ્રોલ સેન્ટર એવં નિગરાની સમિતિઓ કે માધ્યમ સે રોગીઓ કી નિગરાની એવં દેખભાલ કી ગઈ તથા લક્ષણ યુક્ત વ્યક્તિઓ કો ઘર પર દવાઈયા ઉપલબ્ધ કરાઈ ગઈ. પ્રદેશ મેં અબ તક કોવિડ વેક્સિન કી 32 કરોડ સે અધિક ડોઝ નિઃશુલ્ક લગાઈ જા ચુકી હૈ. પ્રદેશ મેં ચિકિત્સકીય ઓક્સિજન કી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરને હેતુ 536 નયે ઓક્સિજન જનરેટર પ્લાન્ટ્સ લગાએ ગયે હૈ. ઈ સંજીવની ટેલીમેડિસિન કોવિડ 19 મહામારી કે દોર મેં રોગીઓ કો ઘર બેઠે ચિકિત્સા સે પરામર્શ પ્રાપ્ત કરને મેં લાભપ્રદ રહી હૈ. ઇસકે માધ્યમ સે આમ જન બિના ચિકિત્સાલય આયે સીધે ચિકિત્સક સે પરામર્શ કર સકતે હૈ. વર્ષ 2017 કી તુલના મેં વર્ષ 2021 મેં એક્યુટ ઇન્સેફેલાઇટિસ સિન્ડ્રોમ જાપાની રોગ નિયંત્રણ ગતિવિધિઓ ઉલ્લેખનીય ઉપલબ્ધિયા હાસિલ કર દી હૈ. ઇસકે અંતર્ગત AES રોગીઓ કી સંખ્યા મેં 64%, AES રોગીઓ કી મૃત્યુ મેં 91% તથા AES રોગીઓ કી રોગ મૃત્યુ દર મેં 75% કી કમી આઈ હૈ. ઇસકે અતિરિક્ત જેઈ કે રોગીઓ કી સંખ્યા મેં 78% તથા જેઈ કે રોગીઓ કી મૃત્યુ મેં 96% કી કમી આઈ હૈ. પ્રદેશ મેં આયુષ્યમાન ભારત કે અંતર્ગત 2300 ચિકિત્સાલયો કો આબદ્ધ કિયા જા ચુકા. ઉક્ત કાર્યક્રમ કે અંતર્ગત પ્રદેશ કે 1.78 કરોડ લાભાર્થી પરિવારો કો લાભ દિયે જાને કા લક્ષ્ય નિર્ધારિત હૈ. અબ તક 1.84 કરોડ લોકો કો આયુષ્યમાન કાર્ડ વિતરિત કિયે જા ચુકે. પ્રદેશ કે સમસ્ત ગ્રામીણ એવં નગરીય સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો પર પ્રત્યેક રવિવાર મુખ્યમંત્રી આરોગ્ય મેળા આયોજિત કિયા જા રહા. પ્રદેશ મેં ઔષધિ વિક્રય અનુગતિ નિર્ગત કરને હેતુ પૂર્ણતયા પેપરલેસ ઓનલાઈન સિસ્ટમ લાગુ કિયા ગયા. કોવિડ 19 મહામારી કે દૌરાન આવશ્યક ઔષધિયો કી સતત ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત ગઈ તથા ચીની મિલો કો હેન્ડ સેનિટાઇઝર કે વિનિમય હેતુ 24 ઘંટે કે અંદર અનુગતિ પ્રદાન કી જાતી હૈ. ઓક્સિટ્રેક્ટર કે માધ્યમ સે કોવિડ 19 મહામારી મેં ઓક્સિજન કી આપૂર્તિ એવં વિતરણ પર પ્રભાવી નિગરાની રખતે હુએ પ્રબંધન કિયા ગયા. પ્રદેશ મેં ખેલો કે વિકાસ એવં ઉત્કૃષ્ટ કોટી કે ખિલાડી તૈયાર કરને હેતુ જનપદ મેરઠ મેં મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ વિશ્વવિદ્યાલય કા શિલાન્યાસ દિનાંક 2 જનવરી 2022 કો માનીય પ્રધાનમંત્રી દ્વારા કિયા ગયા. ઇસ પર 700 કરોડ રૂપે કી ધનરાશિ દે કી ભારત સરકાર સે ખેલો ઇન્ડિયા એક જનપદ એક ખેલ યોજના કે અંતર્ગત પ્રદેશ કે 75 જનપદો મેં ખેલો ઇન્ડિયા સેક્ટર કી સ્થાપના કિયે જાને હેતુ 525 લાખ રૂપિયે કી વ્યવસ્થા કી ગઈ. આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલ પ્રતિયોગિતા મેં પ્રદેશ કે પદક વિજેતા એવં પ્રતિભાશાલી ખિલાડીઓ કો પ્રોત્સાહન સ્વરૂપ ધનરાશિ પ્રદાન કી જા રહી. આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલો મેં ઉત્તર પ્રદેશ કે મૂલ નિવાસી પદક વિજેતા ખિલાડીઓ કી સીધી ભરતી કે માધ્યમ સે રાજપત્રિત પદો પર નિયુક્તિ કી વ્યવસ્થા કી જા રહી હૈ. મેરી સરકાર દ્વારા સામાન્ય ખિલાડીઓ કો દી જાને વાલી સુવિધા કી ભરતી ઉત્તર પ્રદેશ કે દિવ્યાંગજન ખિલાડીઓ કો સુવિધા પ્રદાન કરને કી વ્યવસ્થા કી ગઈ. સરકાર દ્વારા ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020 તથા ટોક્યો પેરાલિમ્પિક 2020 મેં ભારત કે પદક વિજેતા ખિલાડીઓ તથા પ્રદેશ કે પ્રતિભાગી ખિલાડીઓ કો પુરસ્કાર રાશિ સે સન્માનિત કિયા ગયા. ગ્રામીણ ક્ષેત્રો મેં ખેલ અવસંરચના કે વિકાસ હેતુ ગ્રામીણ સ્ટેડિયો કા નિર્માણ એવં ઓપન જીમ કી સ્થાપના કા કાર્ય કિયા જા રહા હૈ. જનતા કો સુરક્ષિત સુલભ સતત મિતવ્યયી વ ઇકો ફ્રેન્ડલી પરિવહન સેવાએ ઉપલબ્ધ કરાને હેતુ સરકાર કૃતસંકલ્પ. યાત્રીઓ કો સુગમ ટિકટિંગ વ સૂચના પ્રણાલી હેતુ
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम की प्रतिष्ठित सेवाओं में इंटरनेट आधारित अग्रिम आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई है। विगत 5 वर्षों में रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। अंतर राज्य मार्गों पर जन सामान्य को सड़क यात्रा की सुगम एवं समन्वित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा बिहार राज्य के साथ पारस्परिक परिवहन करार के उपरांत बस संचालन प्रारंभ किया गया। पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेंद्रनगर, पोखरा व नेपालगंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारंभ किया। बस स्टेशनों को आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर पीपीपी पद्धति पर विकसित किए जाने हेतु कार्यवाही गति शुरू है। खनन प्रक्रिया में सरलीकरण, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं राजस्व वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश खनन नीति 2070 के अंतर्गत एकीकृत पोर्टल माइंड मित्रा विकसित किया गया है। खनन योजना का अनुमोदन ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किए जाने की सुरक्षा प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत 213 खनन योजनाएं अनुमोदित की गई है। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स को सक्रिय एवं उत्तरदायी बनाया गया है। रामायण संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश के 16 जनपदों में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। वैश्विक स्तर पर रामायण संस्कृति के प्रतीक एवं परंपराओं शोध परक रामायण इंसाइक्लोपीडिया का कार्य भी गतिमान है। प्रदेश में पुरातत्व धरोहरों के संरक्षण हेतु एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना प्रारंभ की गई। आजादी का अमृत महोत्सव चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, तिरंगा यात्राओं, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, वेबिनार आदि का नियमित आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा ग्रुप व गुरु गोरक्ष शोधपीठ के भवन तथा पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जन्मस्थली गढ़ाकोला, उन्नाव में विशाल स्मृति भवन एवं पुस्तकालय के भवन का निर्माण कराया गया। रामलीला में नानक सूदड़ी के अंतर्गत शाहजहांपुर में खीर निबा रामलीला स्थल एवं गोरखपुर में वर्ड घाट रामलीला स्थल में मंच, ग्रीन रूम, चहार दीवारी आदि का निर्माण कराया। मगहर में संत कबीर अकादमी भवन का निर्माण एवं आगरा के बटेश्वर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल के निर्माण की परियोजनाएं गतिमान है। जनपद लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमल द्वारा 29 जून 2021 को संपन्न हो चुका है। इस सांस्कृतिक केंद्र में बाबा साहब की भव्य मूर्ति की स्थापना के साथ अत्याधुनिक प्रेक्षा गृह, संदर्भ पुस्तकालय, पिक्चर गैलरी, डोरमेट्री आदि सुविधाएं विकसित की जा रही है। वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गौरव की पुनः स्थापना के उद्देश्य से श्री काशी विश्वनाथ धाम निर्मित कराया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2021 को किया जा चुका है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण पश्चात श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण का कार्य अयोध्या में एवं चित्रकूट भजन संध्या स्थल का निर्माण किया पूर्ण किया है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एवं मथुरा में भी भजन संध्या स्थल के निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। बुजुर्ग संतों,
पुजारी हूँ एवं पुराण के समग्र कल्याण की योजना के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष बोर्ड की गठन की कार्यवाही की जा रही है। जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रदेश के मूल निवासी तीर्थ यात्रियों को 1,00,000 रुपये प्रति श्रद्धालु अनुदान दिया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक 1,225 यात्रियों को अनुदान स्वीकृत किया गया। सिंधु दर्शन के प्रदेश के मूल निवासी तीर्थ यात्रियों के लिए 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान की व्यवस्था है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक 324 यात्रियों का अनुदान स्वीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं है। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस इत्यादि का आयोजन बृहद स्तर पर किया जा रहा है। दीपोत्सव, देव दीपावली, महाशिवरात्रि, रंगोत्सव, प्रश्नोत्सव, बेलून फेस्टिवल, ड्रोन शो, माघ मेला, गोरखपुर महोत्सव इत्यादि के आयोजन एवं बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार के फल स्वरूप विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों के आवागमन में निरंतर वृद्धि हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अयोध्या के पर्यटन सहित समग्र विकास पर कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के तहत मथुरा व वृंदावन का पर्यटन विकास कराया जा रहा है। विंध्यवासिनी धाम, नैमिषारण्य धाम, शुक्रताल धाम, चित्रकूट धाम, देवी पाटन धाम के पर्यटन विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि से जुड़े लालापुर, गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित राजापुर, निषाद राज गुहज से संबंधित सुगेश्वर स्थलों को भी विकसित किया जा रहा है। विशिष्ट क्षेत्रों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश रिपोर्ट चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद एवं उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई। लखनऊ आने वाले माननीय अतिथियों एवं विशिष्ट महानुभाव की अधिक संख्या के दृष्टिगत बटलर पैलेस परिसर में लगभग 61 करोड़ रुपए की लागत से अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य बटलर पैलेस का निर्माण कराया गया है। इसी प्रकार नई दिल्ली में द्वारका योजना के सेक्टर 23 में इंद्रप्रस्थ उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि गृह नई लिंग नाम से लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से एक नए अतिथि गृह का निर्माण कराया गया है, जिसका संचालन मार्च जनवरी 2022 से प्रारंभ कर दिया गया। हम सभी का सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए भारत ने सदियों इंतजार किया उसके 75 वर्ष के हम साक्षी बन रहे हैं। पूरा देश स्वाधीनता संग्राम अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम से मिलने का नहीं है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 41 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं 1,051 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, जिन्हें पूर्व में मिलने वाली 15,176 रुपये प्रति माह पेंशन की धनराशि को दिनांक 1 फरवरी 2018 से बढ़ाकर 20,176 रुपये प्रति माह कर दिया है। आपातकाल की अवधि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रहते हुए संघर्ष के फलस्वरूप मीसा DIR में कारागार में निरुद्ध रहे राजनैतिक बंदी और लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके देहांत के उपरांत पात्र आश्रितों को अनुमन्य 15,000 रुपये प्रतिमा की सम्मान राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। उत्तर प्रदेश डिजिटल ई स्टम्पिंग प्रारंभ करने वाला दूसरा राज्य हो गया है। अद्यतन 19 बैंक इस व्यवस्था से इंटीग्रेटेड किए जा चुके हैं। निबंधन कार्यालयों में वी लेखों के निबंधन हेतु SMS आधारित अपॉइंटमेंट व्यवस्था लागू की गई है। व्यापक जनहित में ई स्टाम्प की सेवा उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध कराए जाने का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि में पंजीकृत 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके
अधिवक्ताओं के निधि से अनुमन्य धनराशि 1.50 लाख रुपए को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का निर्माण गतिमान है। दिनांक 22 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 32 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण करके उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरी सरकार द्वारा दिनांक 1 मई 2022 को ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से पेंशन हेतु आवेदन से लेकर पेंशन भुगतान अधिकृत होने तक की कार्यवाही पूर्णतया ऑनलाइन कर दी गई। इस पोर्टल के अंतर्गत सरकारी विभागों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी को द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तथा सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व उनका पेंशन भुगतान निर्गत हो जाएगा। मेरी सरकार ने प्रदेश में सुशासन स्थापित किया। अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए मेरी सरकार की स्वयं सेवी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में विकास की नींव डालने का कार्य किया गया। अगले 5 वर्षों इसी नींव पर विकास की भव्य इमारत सरकार देगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने, आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा प्रदेश को देश अग्रणी राज्य बनाने का कार्य किया जाएगा। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सेक्टर वार 100 दिन, 6 माह, 1 साल, 2 साल एवं 5 साल की बृहद परियोजना बनाई गई है। इन कार्य योजनाओं पर कार्य आरंभ हो चुका है और इसकी गहन समीक्षा भी की जा रही है। प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों देने के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन की टाइमलाइन तय किए हुए कार्य संपादित किया गया है। परफॉर्मेंस के कार्यों पर फोकस किया जाए। पूर्व की भांति मेरी सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार तथा ईमानदार तथा संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रियों के अलग अलग समूह गठित किए गए हैं। माननीय मंत्री समूह द्वारा अलग अलग जनपदों का भ्रमण कर सरकार आपके द्वार के अनुरूप जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के सम्मानित नागरिकों का खास ध्यान रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरणा से लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के माध्यम से प्रदेश की जनता किए गए वादे मेरी सरकार इस वादों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है तथा इन्हें पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का आय व्यय शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विगत सत्र के पश्चात मैंने कुछ अध्यादेश प्रस्तावित किए हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक व कथित